अरे कौन हो तुम? क्यों छत के किनारे में चढ़ गई हो? तुम तो गिर जाओगी। वैसे करो मत, उतरो उतरो। अरे तुमने तो मुझसे वादा किया था साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। चलो हम दोनों साथ मर जाते हैं और इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया में साथ रहेंगे। हाँ नयनतारा, तुमसे मैंने वादा किया था। चलो मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। अजीब सी आंखों वाली भूतनी जो एक लड़की जैसी दिख रही थी, उसने हाथ बढ़ाया और गोपू ने जैसे कि सम्मोहित हो गया हो हाथ बढ़ा दिया। गोपू को उसने खींच लिया और वो छत के ऊपर खड़ा हो गया। अब तो बस रेलिंग से गिरने वाला था गोपू कि तभी पीछे से उसके साले ने उसे खींच लिया। अरे जमाई बापू, जमाई बाबू, ये क्या कर रहे थे आप? आप किनारे में क्यों पहुँचे? वैसे तो गिर जाते आप, पर इतनी ऊंची ये बिल्डिंग है, गिरते तो आप बचते क्या? अरे मैं छत पे क्या कर रहा था? मैं तो अच्छा छत पे था। कुछ सोचकर गोपू ने पूरी बात बताई नहीं। गोपू अपने कमरे में आ गया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, मैं बोलूँगा बिमला को, कल ही निकल चलेंगे। तभी बिमला वहाँ पहुँची। अजी सुनते हैं, आज मैं अपनी माँ के साथ सोऊंगी। मैं जा रही हूँ माँ के कमरे में, आप यहाँ पर बबलू के साथ सो जाना। बबलू बिमला का भाई था, यानी कि गोपू का साला। अच्छा तो आज भी तुम अपनी माँ के साथ सोओगी? मेरे साथ नहीं। कोई नहीं, तुम जाओ अपनी माँ के साथ, मैं साले के साथ ही सोऊंगा, उससे ही काम चला लूंगा। तुम मेरा मजाक करते रहते हो, मैं जा रही हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन ना मेरी छुट्टियाँ खत्म होने वाली है और मुझे जल्दी से निकलना होगा। अरे तुम भी ना, एक तो कितनी बार मैंने तुमसे कहा तब जाके तुम यहाँ आए हो। मेरे भाई ने इस घर को खरीदा है, ये इतनी बड़ी हवेली। हाँ हवेली तो मैंने देखी, तुम्हारी हवेली ये बहुत बड़ी है और तेरे भाई के पास माल भी होगा। देखो मेरे भाई के बारे में उल्टा पुल्टा मत बोलना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अच्छा मैं जा रही हूँ माँ के पास। ठीक है जाओ। बबलू और गोपू सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को फिर से आवाज आने लगती है एक लड़की के रोने की। गोपू की नींद खुल जाती है। अरे ये कौन है जो लड़की है रो रही है? कल भी मैं इसके पीछे पीछे गया था और फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि क्या हुआ। आज तो मैं पूछ कर रहूँगा, कौन है वहाँ पर, कौन रो रहा है? बबलू खर्राटे लेकर सो रहा था। गोपू आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उसने दरवाजा खोला तो उसे दिखा कि एक लड़की की छाया आगे बढ़ी जा रही है। गोपू उसके पीछे पीछे चल दिया। अरे कौन हो, कहाँ भागी जा रही हो? वो लड़की छत पर चढ़ाई, गोपू भी उसके पीछे पीछे छत पर चढ़ाया और फिर वो लड़की रेलिंग पे जाकर खड़ी हो गई। आप कौन हो, रोज रात को रेलिंग पर खड़ी हो जाती हो, गिर जाओगी, उतरो उतरो उतरो। उस लड़की ने जैसे ही चेहरा पलटा वैसे ही गोपू सम्मोहित हो गया। आज मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, कल तो बचा लिया था तुम्हारे साले ने। चलो चलो मेरे साथ मेरी नई दुनिया में, हम नई दुनिया बसाएंगे। मैं तैयार हूँ नयनतारा। सम्मोहित हो चुका था गोपू, लेकिन गोपू ऊपर चढ़ पाता उससे पहले ही उसके बॉस वहाँ पहुँच गए। गोपू रुको। बॉस की आवाज से गोपू का सम्मोहन टूट गया। अरे सर आप यहाँ पर कैसे पहुँच गए? हाँ मैं तो जल्दी से जल्दी पहुँचना चाह रहा था तुम्हारे पास। तुमने जब बताया ना कि छुट्टियों के लिए तुम बेलापुर की इस जमींदार की हवेली में आ रहे हो, तभी से मुझे लग रहा था कि मैं कुछ भूल रहा हूँ। कुछ बात है उस गांव से जो मुझे तुम्हें बतानी चाहिए थी, इसलिए मैं भागा भागा आया यहाँ। जितनी जल्दी हो ये हवेली खाली कर दो, वरना मारे जाओगे सबके सब। अब तो बिमला भी आ गई थी, बबलू भी आ गया था और बिमला के भाई और भाभी भी पहुंच चुके थे, माँ भी पहुंच चुकी थी और आखिरकार बैठकर सारी बातें होने लगी। इस हवेली के साथ एक कहानी जुड़ी है। अरे नयनतारा तुम अपने पिता को मार क्यों नहीं देती हो? मार दो ताकि हमारे
रास्ते का कांटा हट जाए। मैं भी यही सोच रही हूँ। पिताजी हम दोनों की शादी होने नहीं देंगे, और जब तक पिताजी रहेंगे हमारी शादी तो दूर की बात है। मैं आज ही पिताजी का काम तमाम कर दूंगी। एक सुंदर सी लड़की एक लड़के से बैठकर नदी किनारे ये बात कर रही थी। नयनतारा जो कि एक जमींदार की लड़की थी, एक गरीब लड़के को पसंद करती थी। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन जमींदार बाबू तैयार नहीं थे। नयनतारा उस रात अपने घर पहुंचती है और घर पहुंचकर अपने पिता को मार देती है, चाकुओं से हत्या कर देती है। अगले दिन सबको बताती है कि किसी ने मार डाला है, और फिर चली जाती है उसी लड़के के पास। हमारे रास्ते का कांटा हट गया, चलो हम और तुम शादी कर लेते हैं, अब हम खुशी से रहेंगे। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन लड़का और भी ज्यादा चालाक और लालची था। उसे तो बस जमींदारी, जमींदार की संपत्ति, ये सब कुछ चाहिए थी। एक दिन वो नयनतारा को छत पर ले गया और छत से उसने नयनतारा को धक्का दे दिया। नयनतारा जमीन में गिर गई और मारी गई। तब से नयनतारा की आत्मा यहाँ भटकती है। अब एक दिन नयनतारा ने भूत बनकर अपने पति को छत पर उसी तरीके से सम्मोहित किया। आओ अमित, तुमने कहा था तुम मेरे साथ जियोगे, मेरे साथ मरोगे, आ जाओ। हाँ नयनतारा, मैंने कहा था। और वहाँ से अमित भी कूद जाता है। अंत में अमित की भी लाश अगले दिन मिलती है। मेरे कहते कहते बॉस फिर रुक जाते हैं। लेकिन सर, आपको कैसे पता ये सारी बातें? इस हवेली को सबसे पहले मेरे दादाजी ने खरीदा था। मेरे दादाजी कहते थे कि मैं जब खरीद रहा था तो मुझे लोगों ने मना किया था, फिर भी मैंने लोगों की बात नहीं मानी और यह हवेली खरीद ली। हालांकि कुछ दिनों बाद दादाजी की लाश मिली। फिर दादाजी के बाद मेरे पिताजी ने एक डायरी लिखना शुरू किया। वो उस डायरी में लिखते थे कि हर रात उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन वो कभी भी ध्यान नहीं देते हैं और उधर जाते नहीं है। लेकिन एक दिन अमावस्या की रात उन्होंने वही आवाज सुनी और फिर वो उस आवाज के पीछे पीछे गए और अगले दिन उनकी लाश मिली। मेरी माँ ने तब फिर एक तांत्रिक को बुलाया और सारी बात कही, तो तांत्रिक ने कहा जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। मैं भी तुम लोगों को यही बताने आया हूँ, जो ये सस्ते में तुम्हारे भाई ने घर खरीदा है, ये घर जमींदार का भूतिया घर है। यहाँ से जितनी जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है, वरना सारे के सारे मारे जाओगे। सब वहाँ से निकल भागते हैं।